हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडी डॉग। और आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन फॉर योर डॉग। और उसके लिए सबसे पहले हम चिकन को धोएंगे अच्छे से, ताकि सारी मैल और जो भी गंदगी है चिकन में वो सारा साफ़ हो जाए। धोने के बाद हम चिकन में चाकू से कट्स मारेंगे, ताकि मसाला और मैरिनेशन जो भी हम लगाएं वो अच्छे से पूरे चिकन में लग जाए। चिकन को काटने के बाद हम उसे एक बोल में डालेंगे। और अब मैरिनेशन के लिए आधा कप दही यूज़ कर रहे हैं। हमने दही ज़्यादा लिया है क्योंकि हम अपने डॉग के लिए बनाने वाले हैं और हम नमक मिर्ची ज़्यादा डाल नहीं सकते हैं। दही के बाद हमने डाला आधा चम्मच हल्दी, और उसके बाद हमने डाला आधा नींबू। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि सारा मिक्सचर जो मैरिनेशन का मसाला है वो हर एक कट के अंदर जाए अच्छे से, ताकि जब कुकीज़ को खाए तो उसको सारा अच्छे से फ्लेवर आए। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रहे हैं, ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हमने 15 से 20 मिनट चिकन को फ्रिज में रखा था और अब हम निकाल रहे हैं फ्रिज से। जैसे आप देख सकते हो, कुकी भी आ गई है देखने की क्या बन रहा है, किस लिए बन रहा है और कब तक बनेगा, ताकि चिकन वो खा सके। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर चला के 2-3 चम्मच देसी घी डालेंगे। हमने थोड़ा सा बटर भी लिया है फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते हो बटर डालना तो आप ना डालिए। जैसे आप देख सकते हैं, बटर मेल्ट हो रहा है और अब हम चिकन को पैन में डाल रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर कर लेना कि पैन ओवर क्राउडेड ना हो। इसका मतलब ये है कि पैन ऐसा ना हो कि पैन छोटा हो और आपने ज़्यादा चिकन के पीसेस डाल दिए हो। इससे क्या होता है कि चिकन अच्छे से कुक नहीं हो पाता है। तो अब हम 1-2 मिनट इस साइड को कुक होने देंगे। अब हम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट चिकन को पकने देंगे, ताकि अंदर से चिकन कच्चा ना रह जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा तंदूरी चिकन बन के रेडी हो चुका है और अब आप ये चिकन डॉग को खिला सकते हो। तो गाइस, ये था तंदूरी चिकन फॉर डॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।